धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके के गांव बत्तिकापुरा में एक महिला गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां महिला का उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक बत्तिकापुरा की रहने वाली अधेड़ महिला गुड्डी देवी, जो कि आज अपने खेत पर काम कर रही थी, तभी अचानक तेज आवाज हुई और महिला के हाथ में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आवाज को सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में पड़ी महिला को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया। घायल महिला गुड्डी देवी ने बताया कि वह जब खेत में काम कर रही थी, तभी अज्ञात ने गोली चलाई, जो कि उसके हाथ में लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। गोली किसने चलाई और चलाने की वजह क्या है, इसको लेकर अभी तक किसी प्रकार की जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। वहीं महिला को भी नहीं मालूम कि आखिर गोली किसने चलाई और इसके पीछे मकसद क्या है। वहीं परिजनों की सूचना के बाद बाड़ी सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। तो ऐसे कैसे को गोली देगो? दीगो नहीं हो भगवान जाना पतो तो तुम्हें जी कैसे पतो पड़ी के गोली देगो? गोली तो आप हम पे जो है एकदम भला भला मैं अपने गांव से और एक गांव से मैं पोस्ट पे आ रहा था। ये खेत में काम कर रही सच गेहूं का वो काट रही बाजरा, बगली में नेक आवाज सी आई मोड़ी मार से कट्टे से रहे थे। मन बाइक रोक के नहीं, तीन जने रहे मैं अभी माँ चाचा है मेरा भाई है, ये तीनों गएगा बैठा नहीं, डरी मिली इसके हाथ में कुछ चोट मिली। वहाँ से हमारे पंडित जी ने फोन किया, गाड़ी बुला के नहीं फिर सामान ला के नहीं सब अच्छी कराई दी। ये नहीं पता है कौन है गोली चाहिए क्या हुआ है सर। गोली गोली लगी है? हाँ साहब इसी को हम तो चोट है इसमें तो हम तो यहाँ लगे गोली लगी है। आपका नाम क्या? मेरा नाम दिलीप है। आप कहाँ रहते हैं? मैं वैसे कुसबा समाज की महापंचायत आज एक निजी मैरिज होम में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता धौलपुर विधायक शोभा रानी कुसबा ने की। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कुसबा महासभा के नूर सिंह, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिवचरण सिंह कुसबा रहे। महापंचायत में मुख्य मुद्दा बसई नवाब के पेपेरा गांव निवासी व्यापारी की हत्या मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी रामकेश मीणा द्वारा कुसबा समाज के लोगों को परेशान करने और रिश्वत की मोटी रकम वसूलना रहा। इस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि पुलिस ने कुसबा समाज के साथ अन्याय किया है, जिसे समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। महापंचायत के बाद कुसबा समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सैपू थाना प्रभारी रामकेश मीणा सहित अन्य पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि पेपेरा व्यापारी हत्याकांड में कुसबा समाज के करीब 250 लोगों को पुलिस ने बेवजह परेशान किया था। इसके अलावा उपखंड के गाँव कफरेल में रात्रि के समय डकैती व फायरिंग के मामले में भी कुसबा समाज के लोगों को परेशान करने की बात कही गई है। डकैती एवं फायरिंग के दौरान दो बदमाशों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कुसबा समाज के लोगों को परेशान किया। ज्ञापन में थाना प्रभारी और आरोपी पुलिस कर्मियों के निलंबन की मांग की गई है। इस मौके पर बाबू सिंह कुसबा, महेश कुसबा, उम्मेदी प्रधान, गोरीलाल कुसबा, वासुदेव कुसबा, पूरन सिंह आदि हजारों की तादाद में कुसबा बंधु उपस्थित रहे। मंच संचालन श्रीराम कुसबा ने किया। आज यहाँ कुसबा समाज की महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश से पदाधिकारी, एमपी से, यूपी से, राजस्थान से सारे जनता पधारे हुए। माननीय विधायक शोभा रानी जी, सत्यन कुशवाहा जी, समस्त समाज के सीनियर नेता आज मीटिंग पधारे हुए हैं। समाज के साथ जो चाहे बसीनवा व्यापारी हत्याकांड हो, चाहे कपड़े का गुंडों वाला कांड हो, इसमें पुलिस ने कुशवाहा को बहुत बेरहमी से पीटा, लूट की, इनको परेशान किया। अभी वो समाज को न्याय नहीं मिल रहा, उस संदर्भ में कुशवाहा समाज ने आज महापंचायत का आयोजन किया। आज इसमें हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे, अपनी मांग करेंगे कि कुसबा समाज को न्याय मिलना चाहिए। अगर समाज को न्याय नहीं मिलता है तो सारी समाज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपनी जाकर गुहार लगाएंगे। इस संदर्भ में कुसबा समाज आगे सुनिए। एक सेकंड, अब बोलो। मैं वासुदेव कुशवाहा क्षत्रिय, अखिल भारतीय कुशवाहा क्षत्रिय महासभा हिंदुस्तान का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते आज माया पैलेस धौलपुर में आया हूँ। अभी हमारे कुछ दिन पहले एक संगठन पर चर्चा हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि रामकेश मीणा ने जो हमारे समाज के साथ में घोर अन्याय किया है, चाहे वो मर्डर कांड हो हमारे प्रजापति भाई का,
चाहे वो डकैत की प्रकरण हो, उनमें अनैतिक लगी तरीके से हमारे समाज को लूटा और कूटा। हम ऐसा अनैतिक व्यवहार कभी सहन नहीं करेंगे। हमने माननीय एसपी साहब को एक अल्टीमेटम दिया था कि विदिन 10 दिन के अंदर इस बंदे को निलंबित नहीं किया गया तो हम एक अहम भूमिका निभाएंगे और इसको राष्ट्रीय स्तर तक इस कार्यक्रम को चलाएंगे। दूसरा हमारा इंगित है कि हमारे समाज में शिक्षा के नगरी में कोटा में भी 30 तारीख को हमारे कार्यक्रम तय हुआ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में हमने तय किया कि जो धौलपुर में अत्याचार हो रहे हैं, संगठन विघटित हो रहा है, उस पर क्यों ना एक संगठित करके हम समाप्त। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कछवा कुशवा छत्री बासवा, मैं यहाँ पर धौलपुर में माया पैलेस में समाज के संगठन की एकत्र करने के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पास धौलपुर के कुशवा समाज की जो भी आपस में विरोधाभास है वो चल रहा था, उसमें हम समाज को एकरूपता लाने के लिए समाज में दिल्ली, मध्य प्रदेश, मुरैना, पूरे राष्ट्र के कुशवा समाज के बुद्धिजीवी जो कि समाज के प्रति चिंतन रखते हैं कि हमारे समाज में किसी प्रकार का आपस में विरोध भाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी अनुरोध करने के लिए आए हैं कि हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ करके हमारे देश में IAS PCS बने, जिससे कि हमारे समाज का उत्थान हो सके और जिससे कि आगे बच्चे जो IAS PCS बनेंगे वो नौकरी के रूप में आगे चल करके अप्रत्यक्ष के रूप में समाज की सेवा करेंगे। मैं समाज के लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि समाज में जो बुराइयाँ व्याप्त हैं उन बुराइयों को छोड़ करके संगठित रहें, समाज के साथ रहें, एक दूसरे के साथ दुख सुख में निवारण करें। मैं समाज के लोगों से अपने राष्ट्रीय स्तर के पद से यही संदेश देने के लिए आया हूँ। जय कुशवा। जिला स्तरीय राजकीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन आज शारदीय विद्यापीठ गौशाला में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शक्ति सिंह ने कहा कि खेल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मनुष्य जीवन के लिए जहर है, प्लास्टिक मुक्त धौलपुर बनाने के लिए सभी प्रतिभागियों को शपथ दिलाई। विशिष्ट अतिथि धनीराम शर्मा ने कहा कि बालकों के लिए दिनचर्या बहुत जरूरी है, नियमित खेल के साथ साथ पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखें, योग करें। प्रतियोगिता में 1440 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें 17 वर्ष छात्रावर्ग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालपुर, 19 वर्ष छात्रावर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालका धौलपुर और 17 वर्ष छात्रवर्ग उच्च माध्यमिक विद्यालय टीकतपुर, 19 वर्ष छात्रवर्ग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी ने चैंपियनशिप जीती, जिसमें 58 छात्र एवं 33 छात्राओं का राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। छात्रवर्ग 13 तारीख से झुंझुनू में तथा छात्रावर्ग 13 तारीख से नागौर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, जिनकी कोचिंग 5 अक्टूबर से शारदा विद्यापीठ में प्रारंभ होगी। सभी दल प्रभारियों सहित संभागीय प्रतियोगी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। इस मौके पर मुख्य निर्णायक हरिमोहन शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रमेश भानु, GD चौधरी, प्राचार्य निसार खान उस्मानी, आवेद बेग, सुरेश गोस्वामी, राम अवतार शर्मा, अमर सिंह राठौर, राजेश्वरी शर्मा एवं विभिन्न शारीरिक शिक्षक एवं दल प्रभारी छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे। बसैनवाब कस्बा के निकटवर्ती पिपहरा गांव में जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा सहित पुलिस टीम का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। व्यापारी जगदीश प्रजापति की हत्या का खुलासा करने वाली पुलिस टीम का ग्रामीणों के द्वारा स्वागत समारोह किया गया है। कार्यक्रम के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक कछावा को पीड़ित परिवार के विद्याराम श्रीनिवास बहादुर तथा गंगाराम प्रजापति की ओर से चांदी का मुकुट पहनाया गया। वहीं पुलिस टीम में मौजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र वर्मा, CO वासुदेव सिंह, सैंपू CO विजय कुमार सिंह, CI रोहित चावला, SHO मनिया परमजीत सिंह, सैंपू रामकेश मीणा, रामनिवास मीणा, साइबर सेल के विजय सिंह सत्यपाल, ASI ठाकुर दास, SC दिनेश सिंह को लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि 7 जुलाई की शाम को पेपेरा गांव निवासी जगदीश प्रजापति की बदमाशों के द्वारा जारोली पुलिया के पास लूटपाट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी। कार्यक्रम के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिस दिन घटना हुई उस दिन धौलपुर जिले में उनका पहला दिन था, आते ही इस तरह की घटना से एक बार की दिमाग चकरा गया, लेकिन पुलिस एक परिवार है, सभी ने मेहनत कर वारदात का खुलासा करने में कामयाबी हासिल की, सभी बधाई के पात्र हैं। तथा उन्होंने कहा कि पेपेरा गांव हमेशा याद रहेगा, क्योंकि पुलिस को धन्यवाद देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। कार्यक्रम का संचालन खेमचंद त्यागी के द्वारा किया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत पेपेरा के सरपंच प्रतिनिधि प्रेम सिंह त्यागी, निहाल सिंह त्यागी, जगन्नाथ सरनाम सिंह, मुरारी अग्रवाल, पूर्व सरपंच सीताराम त्यागी, पूर्व सरपंच रामफूल जाटव, नवाब खां, सुभाष महेश चंद वर्मा सहित सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे।
इस कार्यक्रम के बाद एसपी बसईनवा स्थित पुलिस चौकी पर पहुंचे, जहां एसपी मृदुल कचावा के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे नवाचार कार्यक्रम में एक सिपाही एक पेड़ मंत्र को लेकर पौधारोपण किया गया है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती थी, तो उसमें धौलपुर पुलिस की तरफ से एक नवाचार का शुरुआत की गई है, जिसमें एक सिपाही एक पेड़, ये जो उसका मंत्र है। और इस नवाचार का मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि प्रत्येक सिपाही, थानाधिकारी या अधिकारी जितने भी जिले में मौजूद हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो थाना हो, चौकी हो, कार्यालय हो, वहाँ पर एक पेड़ लगाएं। और पेड़ लगाने का मतलब केवल ये नहीं कि भी पेड़ लगाया, उसमें जो है तस्वीरें खिंचवाई और उसको कहीं पे अपलोड किया, नहीं। जो पेड़ लगाया जाएगा उसका पूर्ण रूप से लालन पोषण और उसकी देखभाल उसी सिपाही या अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। तो ये नवाचार जो है धौलपुर पुलिस की तरफ से शुरू किया गया है। इसी क्रम में आज चौकी बसई नवाब पर सभी के द्वारा सीओ साहिबान की उपस्थिति में, थानाधिकारियों की उपस्थिति में और हमारे चौकी का जो जाप्ता है, सभी की उपस्थिति में पौधारोपण का कार्यक्रम यहां पे किया गया है। और धौलपुर शहर के NH3 पर स्थित चंबल पुल पर देर रात खड़े ट्रैक्टर में पीछे से आ रहे तेज गति ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर के पास मौजूद एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के रहने वाले कुछ युवक गेहूं निकालने के थ्रेसर को लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल जा रहे थे, तभी रात करीबन 1 बजे जैसे ही उनका ट्रैक्टर धौलपुर शहर के नजदीक चंबल नदी के पुल के पास पहुंचा, तो उसमें अचानक कोई तकनीकी खराबी आ गई। ट्रैक्टर में अचानक आई तकनीकी खराबी को देखने के लिए ट्रैक्टर से उतरकर उसे सही करने का प्रयास कर रहे थे, तभी पीछे से आ रहे एक तेज गति ट्रक ने उनके ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर में मौजूद एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक युवक 32 वर्षीय मुसर्रफ पुत्र शवेदीन है, वहीं घटना में इमरान पुत्र शमसू, आसू पुत्र शमसुद्दीन व जमशेद घायल हुए हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं मृतक के शव को पुलिस ने जिला चिकित्सालय की मोर्चरी रखवा दिया, जहां आज दोपहर बाद परिजनों के आने पर शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है, वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। धौलपुर जिले में लोगों को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी देने और उनकी कड़ाई से पालना कराने के लिए लोगों को जागरूक बनाने को लेकर इन दिनों गांधी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दौरान परिवहन और पुलिस विभाग इस अभियान को मुहिम के रूप में चला रहे हैं। लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज भी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। परिवहन और यातायात विभाग की ओर से शहर के प्रमुख चौराहों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। इन नाटकों के माध्यम से लोगों को वाहन चलाते समय सीट बेल्ट बांधने और दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट का उपयोग नियमित रूप से करने का आह्वान किया गया। नुक्कड़ नाटक कर रहे कलाकारों ने कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को दुर्घटना में जनहानि न हो, इसको लेकर हेलमेट का प्रयोग करने का आह्वान किया। वहीं स्कूलों में भी विभागों की ओर से छात्रों को भी यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है, जिसको लेकर आज शहर के न्यू एरा पब्लिक स्कूल में एक पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने मौजूद छात्रों से अपने परिजनों से वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करने और सभी यातायात नियमों की पालना करने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। स्कूली छात्रों को संबोधित करते हुए SP कछावा ने कहा कि हमारे अपने जो भी वाहन चलाते हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान हमें भी रखना चाहिए, और घर में सभी छोटे बच्चों की बात मानते हैं, इसलिए बच्चों को अपने बड़ों को यातायात के नियमों के पालन के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके अलावा शहर के गुलाबबाग चौराहे पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें रोटरी क्लब के रोहिल सरीन व अंकित अग्रवाल, स्कूल निदेशक अभिनव बैरी आदि मौजूद रहे। आज गांधी सप्ताह धौलपुर में जो मनाया जा रहा है 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच, इसके तहत गुलाबबाग चौराहे पर नुक्कड़ नाटक का मंचन मनीष एंड सोनू शर्मा ग्रुप के माध्यम से किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को अवेयर किया गया, उनको जागरूकता, उनको सड़क की सुरक्षा के जो नियम है उनकी पालना करवाने के लिए जानकारी दी। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के खोड़ा गांव के पास 5 बदमाशों द्वारा टेम्पो सवार एक परिवार के लोगों को लूटने की घटना सामने आई है। पीड़ित राजकुमार ने बताया कि वो भीलगांव बीदा का पुरा सदर थाना धौलपुर के रहने वाले हैं। कल रात उसके बेटे नारद को सांप ने काट लिया था, जिसको दिखाने धीमरी गांव में एक वैद्य के पास ले गए थे।
जहां से वापस लौटते समय खोड़ा गांव के पास बाइक सवार 5 बदमाशों ने उनके टेम्पो को रोक लिया और बदमाशों ने सभी लोगों के साथ मारपीट की और 4700 रुपए छीनकर भाग गए। पीड़ित ने बताया कि उसके भाई ने 5 बदमाशों में से 3 लोगों को पहचान लिया, जिनमें सचिन पुत्र चौहान सिंह निवासी सरानी, शाहिद पुत्र रमेश निवासी नटकापुरा और दुर्गेश पुत्र खिलानी निवासी नटकापुरा शामिल थे। पीड़ित लोगों ने आज सदर थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम राजकुमार है, मैं बिलगमा विधायक परा से हूँ और मैं कल शाम को मेरे बच्चे को सर्प काट गया, मैं उसे दिखाने घूमी गया और लौटते वक्त 5 आदमियों ने ऑटो रोक के और सभी की मारपीट की। मेरे एक बड़े बच्चे के ज़्यादा चोट है, पेट में दी है और आँख के ऊपर दी है, उसमें दर्द है, उसे दिखाने जा रहा हूँ। रिपोर्ट में चौकी में करती है। कुछ सामान भी ले गए थे क्या? सामान 4700 रुपये थे मारी बीवी पे, वो बीते दिनों चंबल नदी में आए उफान के बाद नदी में विचरण करने वाले जलीय जीवों का भी हाल बेहाल है, जिसके चलते जलीय जीव भी गांव की ओर रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीती रात करीब 1 बजे कोतवाली थाना इलाके के झोर गांव में भी एक मगरमच्छ घुस आया। मगरमच्छ के गांव में घुस आने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और खासी जद्दोजहद के बाद रात को ही टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और मगरमच्छ को गांव से रेस्क्यू कर चंबल नदी लेकर गए, जहां टीम में मौजूद वन कर्मियों ने मगरमच्छ को सकुशल वापस चंबल नदी में छोड़ दिया। गौरतलब है कि बीते दिनों चंबल में बड़े जलस्तर के बाद आए दिन मगरमच्छों के गांव में घुसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिससे ग्रामीणों में कहीं न कहीं भय व्याप्त है। हालांकि वन विभाग की टीम भी नदी के किनारे बसे हुए गांव में लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे वन्य जीवों के गांव में घुसने के मामलों से कोई बड़ा हादसा ना हो। हाँ जी, हमें कल रात 12:30 बजे सूचना मिली कि गांव झोर के झोरकापुरा आया, जो अपने मचकुंड के पास में, वहां पे एक मगरमच्छ आ गया है। तो जिसमें श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी धौलपुर एम राय सिंह चौधरी के नेतृत्व में हमारी रेस्क्यू टीम गई, तो वहाँ पर जाके देखा तो काफ़ी बड़ा मगरमच्छ था, तो उसमें उसको कवर करने में थोड़ा टाइम लगा, फिर कवर करके उसको सुरक्षित राजघाट चंबल पे और चंबल में उसको रिलीज कर दिया, जिसमें हमारे स्टाफ के श्री बनपाल जी सलाम जी, बंगाली बाबू जी और अपने हंसराज गुर्जर, जिन्होंने रेस्क्यू टीम में बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया। तो पहले तो ये रेस्क्यू टीम अभी नए आई हुई है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत ही लग रहा है कि धौलपुर की रेस्क्यू टीम आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे काम। सैंपो पुलिस थाना परिसर में आज सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार तथा उपखंड अधिकारी हरि सिंह लंबोरा की मौजूदगी में इस बैठक का आयोजन हुआ है। बैठक के दौरान सीए विजय कुमार ने क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए लोगों से दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाकर पुलिस का सहयोग करने की बात कही है। उधर लोगों ने उपखंड अधिकारी से सहकारी समितियों पर पर्याप्त खाद उपलब्ध करवाने की मांग की, जिस पर एसडीएम के द्वारा लोगों को उचित आश्वासन दिया है। बैठक के दौरान अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बीच थानाधिकारी रामकृष्ण मीणा, रिटायर्ड नायब तहसीलदार सत्यप्रकाश शर्मा, विजय सिंह बघेल, हरि सिंह परमार, राय सिंह, कमल सिंह, अकबर खान उस्मानी, रामबीर कुशवा, कलुआ सिसोदिया, जितेंद्र तिवारी, शफीक खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। केरला राज्य के इडुक्की जिले में 26 से 30 सितंबर को आयोजित हुई राष्ट्रीय क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में धौलपुर के आकाश शर्मा ने 83 किलो भार वर्ग में कुल 582.5 किलो भार भर उठाकर राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता। पावर लिफ्टिंग संघ के सचिव आकाश शर्मा ने स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान सहित धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है, जिसके उपलक्ष्य में आज आकाश शर्मा व पावर लिफ्टिंग संघ के कोषाध्यक्ष अभिषेक शर्मा का धौलपुर आगमन पर जिला पावर लिफ्टिंग संघ धौलपुर द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान आकाश शर्मा को ढोल नगाड़े व गाड़ियों के साथ पूरे शहर में बाइक रैली निकाली, जिसका जगह जगह पर स्वागत किया गया। बाइक रैली रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल जगन चौराया, लाल बाजार, हनुमंत राया, तोप तराया, संतर रोड होते हुए परफेक्ट जिम आगरा बस स्टैंड पर पहुंची। इस अवसर पर जिम संचालक लक्ष्मीकांत शर्मा ने आकाश शर्मा को जिम ट्रैक सूट देकर सम्मानित किया। इस बीच प्रमोद शर्मा ने कहा कि आगामी दिनों में नेशनल लेवल पर गोल्ड लाने वाले को आजीवन जिम फ्री में करने की घोषणा की। इस अवसर पर रवि शिवरे, कमल ठाकुर, अंकित दुबे, करण गोयल, मनोज वर्मा, सौरभ जैन, राहुल शर्मा, विमल मित्तल, हिमांशु, विप्र संजीव, बंटू पंडित आदि लोग मौजूद रहे।
राष्ट्रीय नेशनल पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप जो केरल में आयोजित 26 और 3 सितंबर को हुई थी, उसमें मेरा गोल्ड मेडल राजस्थान तब से लगा है, जिसमें मैंने 582 kg कुल टोटल भार उठाकर मैंने राजस्थान के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। ये गोल्ड मेडल मेरे परिवार में भगवान और मेरे आशीर्वाद में साथियों के आशीर्वाद से वजह से आया है। मैं इनको सारा श्रेय के अपने साथियों को देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे हौसला बढ़ाया। मैं नेशनल पर गया, नेशनल में मैं गोल्ड मेडल लेकर आया, आज इतना अच्छा स्वागत किया है। मैं बहुत 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 मैं हैप्पी हुआ इस देख के माहौल को देखकर। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनको बस ऐसे ही इनके साथ मेरे लिए बना रहे। धौलपुर में कल डांस इंडिया डांस और डांस प्लस प्रतियोगिता के विजेता अरविंद चंदेल आ रहे हैं, जो कि धौलपुर वासियों को 2 दिन तक डांस के गुर सिखाएंगे। द ब्लैकिंग डांस ग्रुप इन क्लास की सदस्य पूजा कश्यप ने बताया कि द ब्लैकिंग डांस ग्रुप इन क्लास द्वारा 2 दिन का वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें डांस इंडिया डांस और डांस प्लस प्रतियोगिता के विजेता अरविंद चंदेल 2 दिन तक लोगों को डांस का प्रशिक्षण देंगे। वर्कशॉप का आयोजन 5 और 6 अक्टूबर को कचहरी रोड स्थित MI सर्विस सेंटर के ऊपर वाली डांस क्लास में किया जाएगा। प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इच्छुक लोग डांस क्लास पर पहुंचकर उसी दिन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को डांस स्टार से 2 दिन तक डांस सीखने का मौका मिलेगा। मेरा नाम पूजा कश्यप है। ब्लैकिंग डांस ग्रुप के द्वारा पहली बार धौलपुर शहर में वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जो 5 से 6 तारीख को टाइमिंग रहेगी उसकी 10 से 1 बजे तक। उसमें अरविंद चंदेवाल को बुलाया जा रहा है, जो डांस प्लस 4 में आ चुके हैं और डांस इंडिया डांस बैटल राउंड में भी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, और वो हमारे धौलपुर शहर में सभी बच्चों को सिखाने के लिए आए। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, आप हमारी दलियल ब्लैकिंग डांस क्लास पर आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इसकी 300 रुपये फीस है और एड्रेस है कचहरी रोड MI सर्विस सेंटर 2nd फ्लोर पर। आप आकर रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, आपको जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराएं। स्टोन एसोसिएशन बसेड़ी की बैठक आज सुरेशचंद गोयल की गैंगसा पर आयोजित हुई, जिसमें एसोसिएशन के सभी पदों पर सर्वसम्मति से चुनाव हुए। चुनाव में सभी सदस्यों ने आपसी सहमति से अध्यक्ष पद पर सुरेंद्र सिंह खडोरा को चुना, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर हेमंत कौशिक, महामंत्री बबलू सिकरवार व कोषाध्यक्ष पद पर अल्पेश गर्ग को चुना गया। नव निर्वाचित अध्यक्ष का सदस्यों द्वारा साफा बांधकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसका वह ईमानदारी से पालन करेंगे, साथ ही पत्र व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान मुन्नालाल गोयल, सुरेश चंद गोयल, रामवतार गोयल, रामवतार शर्मा, विवेक, पंकज, राहुल, संतोष उमरेवाले, बिज्जू जायसवाल, लक्ष्मी नारायण शर्मा आदि मौजूद रहे। धौलपुर स्टोन का बहुत अच्छे रूप से चलता रहा है और इसी तरीके से हम सब लोग मिलजुल करके अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे और अच्छा चले, इसमें हम लोग सहयोग करें आपसी। पुलिस थाना बसेड़ी में कार्यरत ASI सहित हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल सहित दर्जन भर के हाल ही में तबादले हुए हैं, जिसको लेकर आज पुलिस थाना परिसर में विदाई समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सभी को साफा बांधकर व माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर थाना प्रभारी लल्लूराम मीणा, समाज सेवी राय सिंह परमार सहित अन्य गणमान्य नागरिक व पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। इसी प्रकार कोलाई थाना पुलिस वृत्त क्षेत्र स्थित शकवारा पुलिस चौकी पर तैनात ASI ठाकुरदास का स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उपाध्यक्षक सैपू विजय कुमार रहे, वहीं अध्यक्षता थानाधिकारी रामनिवास मीणा के द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान स्टाफ की ओर से अतिथियों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं चौकी पर विगत करीब 3 वर्ष से लगातार ASI के पद पर कार्यरत ठाकुरदास का स्थानांतरण होने पर साफा व माला पहनाकर स्वागत करते हुए विदाई दी गई। उपहार स्वरूप भगवान राधा कृष्ण आदि तस्वीरें उपहार स्वरूप भेंट की गयी। ASI ठाकुरदास ने कहा कि चौकी पर लगातार करीब 3 वर्ष की सेवा के दौरान क्षेत्र की जनता व प्रबुद्ध लोगों का हमेशा सहयोग मिला है, लोगों का यह प्रेम हमेशा यादगार रहेगा। कार्यक्रम के दौरान सकवारा सरपंच सत्यवीर, बेपरपुर सरपंच रामनाथ, युवा नेता राधा बल्लभ शर्मा हवेली का नगला, युवा नेता गौरी शंकर गुदेनिया, महेश चंद वर्मा, पूर्व सरपंच नवाब खान, नरेंद्र शर्मा, बनवारीलाल, रामबीर, बद्री प्रसाद, रमाकांत शर्मा सहित क्षेत्र के दर्जनों गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के गांव नगला दूल्हे खां के लोगों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने नगला दूल्हे खां को ही ग्राम पंचायत मुख्यालय रखने की मांग की है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया है कि नगला दूल्हे खां बड़ा गांव है, जिसकी आबादी 2,259 है। यह पिछले कई वर्षों से ग्राम पंचायत मुख्यालय भी है, लेकिन विगत दिनों ग्राम पंचायत पुनर्गठन की प्रक्रिया की गई थी,
जिसमें गांव अफजलपुर को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाना प्रस्तावित है। ग्रामीणों ने इसे गलत बताते हुए नगला दूल्हे खां को ही ग्राम पंचायत मुख्यालय रखने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में अर्जुन, प्रमोद सिंह, राजेश, राहुल परमार, भागीरथ, रोशन, ओमी, शिवचरण, प्रेम सिंह, दिनेश, सुरेश सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। नाम चरण सिंह परमार, गांव नगला दूल्हे खां, हेडक्वार्टर नगला दूल्हे खां, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर पड़ता है अपना। अफजलपुर गांव के नगला दूल्हे खां हेडक्वार्टर को हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे यथास्थिति में रखा जाए, इसमें कोई ऑब्जेक्शन या इसे इधर उधर करने की कृपा न करें। ग्राम पंचायत नगला दूल्हे खां बाड़ी पड़ती है, जो पुरानी पंचायत है, जबकि राज्य सरकार के द्वारा पुरानी जो गठित हुई थी, जब से नगला दूल्हे खां पंचायत चली है, जिसमें अटल सेवा केंद्र, सभी कार्यालय, सभी जो चिकित्सालय उसी में है। अब जो कहा ग्राम पंचायत, अब उसको ग्राम पंचायत से उसको परिवर्तित अफजलपुर को किया जा रहा है। वो कितनी दूर है? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है अपने पंचायत से, इसलिए पंचायत हमारी वही स्थापित की जाए। अब नगला दूल्हे खां वो पंचायत अफजलपुर को नहीं रखा जाए।